जिसका नाम है डिग्री, और हिंदी में इसको बोलते हैं घात। घात लगाया बैठा रहता है कोई, तो बस वो इस तरीका से हम लोग इसे बैठेंगे कि जड़ राशि के ऊपर, जड़ राशि के ऊपर इसका अधिकार है, मतलब कि जड़ राशि का कितना पावर है, ठीक उसी पावर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, घात, जिसको हम लोग डिफिनेशन दिया जाता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, इसको हिंदी में बोला जाता है चर राशि का। चर किसको बोलते हैं, जो चलेगा इधर उधर, मतलब उछलते कूदते रहेगा, बदल देगा अपना रूप बार बार, तो उसी तरीका से है चर राशि का अधिकतम परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं, घात कहते हैं, ठीक है अधिकतम। अब हम लोग ये समझेंगे कि अधिकतम आखिर होता कैसे है, तो पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, इसमें देखेंगे ऐसा चीज देखेंगे जिसका पावर अनोन तरीका से आपको दिखेगा, दिखेगा बड़ा लेकिन हो जाएगा छोटा, दिखेगा छोटा लेकिन हो जाएगा बड़ा, देखिएगा कितना बेसिक तरीका से आपको होता है। एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए कि एक्स है प्लस टू है, ठीक है इसका डिग्री अगर कोई आपसे पूछा कितना डिग्री है, तो देखो डिग्री क्या है अधिकतम, देखिए यो बेचारा एगो भाई है, यो एगो भाई है, इस बेचारे के पास क्या बगल दो स्टार लगा है, इसके पास एक स्टार लगा है, तो सिंपल सा है कि अधिकतम डिग्री क्या होता है, जिसका ज्यादा पावर होगा वो अपना कबीर तो दिखाई भी करेगा कि देखो एक्स स्क्वायर बड़ा लो भी होता है काबिल है, काबिल है तो इसके पास कितना पावर है दो, इसके पास कितना है एक, और अभी तो बेचारा कॉन्स्टेंट है चुपचाप करेगा बोल में नहीं जाएगा, ये दोनों कुछ कुछ बोल रहा था लेकिन पता चला कि ये ज्यादा ही कम है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका डिग्री टू, घात कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर यह क्वेश्चन है आपके पास एक्स वाई है प्लस मान लो टू है, चलो 20 करते हैं, इसके पास पावर कितना है बाबू, तीन को स्टार लेकर के है, अभी कितना है ये देखो एक और इसके पास और एक और इसके पास, ठीक है तो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि जब तक वेरिएबल आप पढ़े होंगे पॉलीनोमियल में, तो आपको बताया गया होगा कि अगर कोई सेम बेस है और डिग्री अलग अलग है, तो दोनों बेस अगर सेम है मल्टीप्लाई में है तो दोनों का डिग्री क्या होता है एम प्लस एन हो जाता है, लेकिन यहाँ समस्या है कि दोनों क्या है सेम नहीं है डिफरेंट है, जब डिफरेंट है तब कैसे करेंगे, तो बात ऐसा है कि डिफरेंट तो क्या करेगा कि देखेगा कि क्या है डिफरेंट है और सरूपक दोनों में रहेगा, दोनों जुटा रहेगा मल्टीप्लाई से, तो दोनों जब मल्टीप्लाई से डिवाइड मल्टीप्लाई से रहेगा इसका वन और इसका वन क्या बन जाएगा ये टू डिग्री का हो जाएगा, लेकिन तब तो इसको पटक दिया, कहा है क्योंकि इसके पास तीन गो है इसके पास क्या गो ये गो है, तब इसको पटक दिया कहा कि आम लेते हैं लेकिन कितना है इसके पास तीन है, तो बोले दो से कोई बात नहीं बनेगा, तो बनेगा कितना से तीन से बनेगा। इसी तरीका से और भी क्वेश्चन है, मान लीजिए ये एक्स क्यूब है प्लस मान लो वाई एक्स फोर है प्लस फाइव है, देखो इसके पास तीन है इसके पास चार है, बड़ा सबसे बड़ा है, चलो बड़ा कौन है एक्स का पावर फोर है, एक्स का पावर फोर अधिकतम है, तो सिंपल सा तरीका है कि इसको एकदम सीओ कितना होगा फोर डिग्री का होगा। चलिए ये तो बेसिक तरीका से था, और थोड़ा सा अब हम लोग एडवांस तरीका से पढ़ते हैं, देखिए एडवांस कैसे होगा, एक्स क्यूब है मान लो एक्स डिवाइड कर रहा है इसको, अगर ये एक्स है मान लीजिए एक्स है प्लस मान लीजिए फोर है, कहेगा भाई ऐसा बात नहीं है तीन गो है अकेले है तो वो कुछ ना कुछ तो करिए देंगे, चलो ये कुछ कर दिया इसको क्या होगा टू, इसको भी कुछ कर दिया तीन बन गया बेचारा ये आई हो गया चार इधर, तो देखो जी एक्स स्क्वायर और ये दोनों क्या है अपन गोतिया है, गोतिया तो क्या कर रहा है दोनों जुट जाएगा क्यों जुटेगा क्योंकि प्लस प्लस है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर प्लस वन फाइव, ये बेचारा देखो कितना बड़े को था इसका जनसंख्या, एक बार जनसंख्या क्या बोल गया छोटे को गया, ये कितना रह गया इसका डिग्री, डिग्री हो गया टू, कितना हो गया इसका डिग्री टू हो गया। अब देखिए इसके तरीका से और हम लोग बताते हैं कैसा है और हम समझते हैं एडवांस में, देखिए अगर ये एक्स है ये भी कुछ डिवाइड करेगा इसको तो x टू दी पावर 5 दो गो है तीन गो है, तो दो गो वाला तीन गो वाला को थोड़ा सा तो डिस्टर्ब करेगा बेचारा, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस हो जाएगा 4। चलिए आप लोग को शायद पता होना चाहिए कि कोई आदमी नीचे से जब ऊपर कुछ लेगा तो क्या हो जाएगा पावर चेंज कर देगा, रहेगा बेचारा प्लस में ऊपर हो जाएगा माइनस में, चलो उछल कूद गया ज्यादा ही माइनस हो गया,
तो आपको बताया थे कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें एक परहेज करना रहता है कि उसका पावर क्या रहेगा, हमेशा हमेशा जो रहेगा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक रहेगा। तो इसमें क्या है, ऋणात्मक हो गई, परहेज तो कर नहीं पाया, परहेज करने के लिए बताया था कि पावर उसका माइनस में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बताया था कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा समस्या है ऋणात्मक हो गया, बोला कि पॉलिनोमियल ही नहीं है तुम, तो पावर कहां से तुमको देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए इसका पावर नहीं है। जया यस सर। चलो अब देखो, अब एक दुबारा और बताना, सुनो तो पावर है जी, कितना है, क्या क्या कर सकता है, बहुत कुछ, हमको तो लगता नहीं है कि कुछ कर ना ही कुछ नहीं कर पाएगा, हम समझ लेंगे, मैं सार कर सकता है। चलो देखो ये बताओ इसका पावर कितना है, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, एक दो तीन चार पांच बताओ कितना का है, चार, चार का है, इसे है जी, इसके पास तीन है, इसके पास भी तीन है, अब बेचारा के पास बताओ उसके पास किसे है, लेकर सही बताया है, चला मेल है, देखो ये तीन है और ये पड़ोसी इसका बगल में सटल है, पड़ोसी अगर सटल रहेगा ना तो इसके पास जितना पावर रहेगा, जिसके पास जितना पावर रहेगा दोनों मिल जाएगा, मान लो कोई आदमी लड़ना है तो क्या करेगा, पड़ोसी ने बचाएगा, ये दोनों पड़ोसी मिल गया, ये हो जाएगा तीन और ये हो जाएगा चार, यानी थ्री प्लस वन फोर हो गया, इसके पास बेचारा वन और वन टू ए बना था, इसके पास थ्री है, तो अधिकतम जनसंख्या वाला कौन क्षेत्र पड़ा आपका, ये बड़ा हो जाएगा कितना, पावर हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर, तीसरा डिग्री हो जाएगा आपको जगह, ये पता चल गया। अब देखो अब इसका डिग्री बताओ, थ्री थ्री सिक्स हो जाएगा, अब सिक्स सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो चार को अगर एक के बराबर आदमी रहेगा तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करता है, कहीं नहीं करता, जानता है लड़ेंगे तो पटक ही जाएगा, तो पटक ही जाएंगे, तीन हो जाएगा अधिकतम डिग्री किसका है, कितना होगा इसका अधिकतम हो जाएगा सिक्स, एक बार का डिग्री। और भी कंफ्यूजन अगर है तो बोलिए, और किसी कंफ्यूजन है, नहीं सर, आप समझ में आ गया, चलो इसमें देखो थ्री है, इसको क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा तब आगे सोचो, देखो दो को भाई है बेचारा था कि नहीं लड़ेगा झगड़ेगा तो बच कितना जाएगा, x खाली बचेगा क्योंकि तीन में से दो चला गया, ये हो जाएगा x और y का q प्लस जगह x, x और x दोनों जुट गया बेचारा, दोनों का मैच्योरिटी हो गया तो 2x हो गया, अभी x देखो ये दो को x रहना चाहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, आदमी देखो 25 को रहे चाहे 30 को रहे उससे मतलब नहीं है, आदमी में पावर कितना है ये देखना है, देखो ये आदमी के पास पावर कितना है, एक है, बेचारा देखो दो में मिला और दोनों मिलकर के सेटिंग एटिंग किया आपस में, तो सेटिंग एटिंग किया तो देखो तीन अब चार हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया, चार हो गया, चार हुआ, इसलिए समाचार नया आ गया। चलो देखो नया समाचार देखो, अब देखो एक्स है प्लस वाई है इसका ऑल स्क्वायर है, पूछे कि इसका डिग्री कितना है, डी बस बता देना कि टू है, गड़बड़ा जाएगा, घबरा जाएगा क्या करोगे बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, पहले इस पर इसको तोड़ देना तो ये बेचारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स वाई और प्लस हो जाएगा क्या वाई स्क्वायर, तो देखो ये भी आदमी क्या है वो दो को पावर लेकर टाइट है, ये कितना है एक और दो को लेकर टाइट है, ये बेचारा कितना है दो को लेकर टाइट है, इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, आई थिंक सो आप लोग को अब बेहद समझ में आ गया होगा, आ गया है ना, चलो तो जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा नंबर ऑफ टर्म पे, ठीक है, यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं पद, कितना पद होगा कितना पद नहीं होगा, जैसे देखो ये कितना था एक पद दो पद तीन पद यहाँ दिख रहा था, बेचारा रिडक्शन का मतलब देखो दो पद का हो गया, तो कैसे होता है छोटे हुआ कैसे होगा बड़े हुआ, कैसे इसका पावर हुआ कैसे पावर घट गया,
ये तो आप लोग देख ही लिए, पहले आप लोग सिंपल पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, बस न्यूसल दे दिया था इसे 2x क्यूब है प्लस मान लो x है, अब पूछे कि बताओ कितना डिग्री का है, फिर ही बताता हूं, लेकिन इसमें कुछ नया चीज मिला होगा आपको, देख रहे हैं डिग्री रहेगा, ठीक है। अगर देखो कभी क्वेश्चन रूट में रहे, छाता ओढ़ ले, रूट प्लस का बोलते हैं छाता, अगर छाता कोई ओढ़ लिया तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, कैसे गिर जाएगा भाई, तो देखो बताए थे कि अगर एक्स है रूट में एक्स है तो देखो छाता ओढ़ लिया, तो छाता अगर कोई ओढ़ता है तो पता है ऊपर से कुछ गिरता है, तो देखो क्या गिरेगा, एक्स का पावर होगा एक बटा दू, इसी तरीका से मान लो एक्स है और ये क्यूब रूट है, तो सिंपल है कि देखो ये तीन बच्चा ऊपर उछल रहा था, हमें पानी देखता है ना, पानी गिरता है, दूसरे चीज में सोचना ये क्या होगा, एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इतना तो समझ गए, आगे और नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको, जो परेशानी हो आप लिखिए, कमेंट्स कीजिए, आपको नया वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे, तब तक बाय।